नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कराची का हलवा बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कराची का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हलवे के लिए मैंने लिया है यहाँ पे ऑरेंज लिए हैं मैंने, जो कि वजन में लगभग 300 ग्राम है। सबसे पहले हम इनको छील लेंगे कुछ इस तरह। छील के और इनके बीज भी निकाल लेने हैं, वरना हलवे में कड़वाहट हो जाती है। मैंने सभी ऑरेंज को छील लिया है और सभी के बीज भी बाहर निकाल दिए हैं। अब इनको मिक्सी में पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे छान लेंगे एक बाउल में, जूस को निकाल लेंगे। मेजरिंग कप से जूस को नाप लेंगे। तो यहाँ पे मेरा लगभग 150 कप जूस बना है। अब उसी कप से हम कॉर्नफ्लोर ले लेंगे 1 कप। और जूस को मिला देंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा डाल के ही मिलाना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाते हैं। मैंने सारे जूस को मिला लिया है इसमें। इसमें आधा गिलास पानी और डाल देंगे। मैंने यहाँ पे मीठे के लिए शुगर ली है, जो कि वजन में 200 ग्राम है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। 3 से 4 इलायची ली है और लगभग 50 ग्राम के इतने बादाम लिए हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन कर देंगे, कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में हम शुगर डाल देंगे। जितनी हमने शुगर ली है उसके जस्ट डबल पानी लेना है। एक कप शुगर थी तो मैं इसमें 2 कप पानी डाल दूंगी। इसकी हमें कोई चाशनी नहीं लेनी है, जब तक शक्कर घुल जाए उसके लगभग 2 से 3 मिनट और पकाना है इसे हाई फ्लेम पे। सारी शक्कर मेल्ट हो चुकी है। और अब हम इसमें अपना मिक्सर मिला देंगे। मिक्सर इसे घोल के मिलाना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है तलवे में बैठ जाता है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और इसे चलाते रहना है। लगभग 3 से 4 मिनट बाद कुछ इस तरह हो जाएगा ये। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी मिला देंगे। और लगातार चलाते रहेंगे हलवे को। एक चुटकी इसमें फूड कलर डाल देना है और इसे भी मिला देंगे। इसमें इलायची डाल देंगे, जिनको मैंने कूट लिया था। बादाम को भी मैंने काट लिया था, बादाम को भी डाल देंगे। सभी को मिला देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है।
अब मैं इसमें एक चम्मच घी और मिला दूंगी। लगभग 3 से 4 मिनट और पकाना है इसे। अब हम इसे एक कटोरी में थोड़ा सा डालेंगे और इसका टेक्सचर चेक कर लेंगे कि जमने के लिए परफेक्ट है या नहीं। 1-2 मिनट इसे ठंडा होने देंगे। सारा हलवा कढ़ाई में एक जगह इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। ये देखिए बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है ये। गैस को बंद कर देंगे और मैंने एक टिन सेट लिया है, इसमें मैंने थोड़ा घी लगा दिया था। अब इसमें बादाम भी डाल देती हूँ थोड़े से, और अब इसमें हमें हलवा डाल देना है हमारा। मैंने इसमें सारे हलवे को डाल दिया है और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे लगभग 2 घंटे के लिए। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं आधे घंटे के लिए। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे ही रखा है और 2 घंटे बाद देखिए हमारा हलवा जम गया है। इसकी पहले सबसे पहले हम इसको साइड से छुड़ा लेंगे, ऐसे साइड निकाल देंगे और एक प्लेट लेंगे और इसे उल्टा करके इसे टैप कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा एकदम जम चुका है। अब इसके हम पीसेस काट लेते हैं। मैंने सारे हलवे को पीसेस में काट लिया है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट हलवा बन करके तैयार हुआ है। इस हलवे को आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। चल रहा है ना वो आगे तो उसको क्यों मतलब ही नहीं।